स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स की, जिसमें कि आज हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, जबकि इसने कल ही अपना ब्रेकआउट दिया था। तो इसमें आज हमें थोड़ी सी प्रॉफिट देखने को मिली। तो अब आगे क्या टारगेट क्या होगा, इस पे हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। कुछ कॉल्स हमने आपको कल भी प्रोवाइड कराए थे, जिसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शेयर मार्केट ट्रेडिंग कॉल पर मिल जाएगी। यह चैनल बिल्कुल फ्री है, आप भी इसे बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जो टेक महिंद्रा का था, जिसने कि आज अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो चलिए अब अदानी पोर्ट्स के चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं। पोर्ट्स का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। यहाँ आप देखेंगे नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो कि अगर आप इसके और पीछे चलते हैं तो आप इस देखेंगे इस ट्रेंड लाइन पे यह स्टॉक काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले चुका था। यहाँ रेजिस्टेंस लिया था और फाइनली जब स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक किया, तो वापस से यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसमें आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा खासा मूव आया। वापस इसे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और एक बार फिर से काफ़ी अच्छा मूव आया। वापस करेक्शन के बाद वापस ये स्टॉक यहीं सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया और फिर से यहीं से सपोर्ट लेके ये स्टॉक उठा था। तो बेसिकली हमारी एंट्री यहाँ पे हो जानी चाहिए थी, जो कि हमने मिस कर दी है। खैर कोई नहीं, अब ये एंट्री तो ऑलरेडी मिस हो चुका। अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते तो अभी ऑलरेडी हमारा टारगेट यहाँ पे एक टारगेट हिट हो चुका होता। तो अब अगर एक और देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ऊपर से ड्रॉ करके रखी है, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा। और कल जब ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा था, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका एक ऑप्शन कॉल आपके साथ शेयर किया था, जिसके लिए जिसे कि मैंने बोला था इसे BTST करेंगे, जो कि 800 से ही का था। 18-19 की हमने बाइंग दी थी, जिसने आज 23 के ऊपर का हाई लगाया है। तो ये तो कल की बात हो गई, तो अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये ब्रेकआउट के बाद से वापस इस लेवल को रिटेस्ट करने आया हुआ है। तो अब जो हमारी फ्रेश एंट्री बनेगी, वो मैं भी आपको लेबल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब जब आप देखेंगे कि ये स्टॉक वापस से इस सपोर्ट पे आके रुका है, आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इसे लोअर टाइम फ्रेम में समझते हैं तो आपको क्लियर पता चलेगा। तो आप देखेंगे ये यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद वापस से अब इस सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है। तो हम जो हमारी एंट्री होगी वो यही होगी, 768 से 770 के बीच हमने एंट्री लेनी है। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हम इस लेवल के नीचे रखेंगे, जो कि 757 के नीचे, यानी 756 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो हम अब इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो टारगेट जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो हमारा ये टारगेट रहेगा जहाँ की आज भी इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। आप देख सकते हैं कि यहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई थी। तो फर्स्ट टारगेट हमारा इसमें 794 का होने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम इसमें 817 का टारगेट देख सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो टारगेट इसमें रहेगा 838 के आसपास का। और अगर ये सारे टारगेट ये ब्रेक कर देता है तो फिर आप इसमें 850-875 का लेवल भी देख सकते हैं। अदानी पोर्ट का ट्रेड हम कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं। एंट्री हमें 768 से 770 के बीच लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा 756 और बिलो होगा। इसमें हम अपना फर्स्ट टारगेट 794 देख सकते हैं, और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 850 एंड 875 भी आते हुए देख सकते हैं। आप भी लाइव मार्केट में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम शेयर मार्केट ट्रेडिंग कॉल BCT है, आप इसे बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने पर हम यही शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच टू स्टेइंग विद अस। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।